हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड अडैप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हम करने वाले हैं अडैप्टेशन इन रैप्टिलियंस। रैप्टिलियंस मतलब जो एनिमल्स क्रॉल करते हैं उन्हें रैप्टिलियन बोलते हैं, मतलब जो जमीन पर रेंगते हैं उन्हें रैप्टिलियन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंस हाउ स्नैक स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप। कैसे क्रीप करना मतलब रेंगना। तो हमें बोला गया कि ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे सांप स्नेक्स और अर्थवर्म क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं मतलब रेंगते हैं। विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रीपिंग, मतलब कौन रेंगने के लिए उन लोग कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं। Are there any special chains for that purpose? कुछ उसमें special chains है क्या, ऐसा पूछा गया। Note any such changes, कुछ हमें changes note करना है, देखना है और उसे note करना है। Animals like house lizard, garden lizard, crocodile use their muscles for creeping. तो ये जो animals है वो garden lizard, house lizard, crocodile, उन लोग क्या करते हैं अपने muscles को use करते हैं, muscles किसके लिए, रेंगने के लिए, ऐसा बोला गया। सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन इन स्किन सोल्स ऑफ फीट बॉडी कलर एक्सेट्रा। उनमें कोनो वो लोग जो है उन लोग कहाँ एडेप्टेशन दिखाते हैं, कैसा किसमें एडेप्टेशन दिखाते हैं, हमें सोल्स ऑफ फीट में दिखाते हैं, स्किन में दिखाते हैं, बॉडी कलर में दिखाते हैं। सोल्स मतलब तलवों के जो पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें बॉडी का कलर चेंज होता है, उनका पैरों के जो तलवे हैं वो चेंज हो जाते हैं, स्किन चेंज होती है, उनमें अडेप्टेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड हैव क्लॉव्ड टोज, मतलब पंजे होते हैं उनके, जो टोज होते हैं उनको पंजे होते हैं, ऐसा बोला गया है। एंड थिन सोल्स, उनको कैसे होते हैं सोल्स, एकदम तलवे जो होते हैं वो थिन होते हैं। Whereas snakes have a scaly skin, snake को कैसे होते हैं scaly skin, scaly skin क्यों बोला गया है? Means अभी जो snake है उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, उसके अब मैं दिखाता हूँ आपको scaly skin क्यों बोला, क्योंकि ऐसा डिजाइन बनाया हुआ रहता है, सांप के ऊपर ऐसा डिजाइन बना हुआ रहता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे कि दोस्तों आप इधर देख सकते हो स्नेक की फोटो क्लियरली, ये देखो आप इधर देखो, इधर ये जो है ये बना हुआ डिजाइन उसके ऊपर, इसे ही स्केल बोलते हैं। ये मछली के ऊपर भी, फिश के ऊपर भी बना हुआ रहता है, स्नेक के ऊपर भी बना हुआ रहता है, इसीलिए उसकी स्किन कैसी है मीन्स स्केल ही बोला गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एडेप्टेशन इन रेप्टिलियंस इतना ही था दोस्तों, कुछ थोड़ा ही सिंपल ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।